पर यह कलयुग की बात बताई, और उसी कारण विभांडक ऋषि के गले में मृत सर्प डालकर और वो भागवत का एक बहाना ढूंढ लिया परीक्षित ने। इस पर स्वामी अखंडानंद जी और सद्भाग्य से कर्पात्री जी महाराज के हमको मिल गए वचन सुनने को किसी टेप में, काफी पुरानी बात, यद्यपि एक दो बार उन्हें यूं भी प्रत्यक्ष देखा है, सुना है, पर भागवत तो कभी नहीं सुनी उनके मुख से। पूज्य कर्पात्री जी महाराज के कोई एक टेप में वचन सुनने को मिल गए, और इसी प्रसंग में वो एक बात कहते थे कि भगवान अपने संकल्प की सिद्धि के लिए विविध प्रकार के उपाय करते हैं, और उन्होंने ये एक उपाय रचा प्रकट होने के लिए। भागवत को प्रकट करना था कलयुग के प्राणियों के लिए, भागवत सहज सुलभ हो सके, भागवती वार्ता गेहे गेहे हर घर पहुंच सके भागवत, इसके लिए भगवान ने परीक्षित को चुना। भगवान ने कहा ये चुना जाएगा, इसलिए एक पल के लिए मति हर ली गई उसकी, कुछ पल के लिए मति। एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प इसलिए डाल दिया राजा ने कि वह उसको प्रणाम नहीं कर रहा है। यहां से कलयुग आरंभ होता है, बस अब यहां से कथा आरंभ करते हैं कलयुग की। क्यों व्यथित हो गए, क्यों क्रुद्ध हो गए, उनको आवेश किस लिए आ गया, राजा क्यों आवेशित हो गया, उत्तेजित क्यों हो गया राजा कि प्रणाम नहीं कर रहा है कोई, मैं बड़ा हूं और मैं चूंकि राजा हूं और मैं श्रेष्ठ हूं तो सब मेरे अनुगत हों, मुझे प्रणाम करें, मेरी प्रधानता स्वीकार करें, और मेरी भी मेरे विचारों की, मेरे सिद्धांत की, मेरी रुचियों की, मेरे पूरे पूरे अनुगत हों। तो आप कलयुग में ऐसा ही चाहते हैं, डोमिनेंस, कि पूरा पूरा वो मेरा पूरा बने पूरा। और कई बार सब लोग आपके पूरे नहीं बनेंगे, पार्शली रहेंगे, थोड़े रहेंगे, पूरे नहीं रहेंगे, थोड़ा धन के साथ रहेंगे, थोड़ा तन के साथ रहेंगे, थोड़ा आपके मन के साथ रहेंगे, थोड़ा आपकी प्रतिष्ठा के साथ रहेंगे, थोड़ी आपकी जय जयकार के साथ रहेंगे, बाकी के बचे हुए अपने साथ रहेंगे। कितने आपके साथ रहे हम, पूरे क्यों रहे हैं आपके साथ हम, कुछ ही हैं, कुछ अंशों में आप किसी के धन के साथ रहेंगे, पोजिशनिंग के साथ रहेंगे, आपकी चूंकि उच्च प्रतिष्ठा है तो आप थोड़ी देर आपके साथ हैं। अब मत पेटियां खुल जाएंगी, तीन चार प्रदेशों में नहीं निकलेंगे मत उतने, तो लोग हट जाएंगे किसी और के साथ है। ये तो फूल माला है, जिसके गले उसे गले में पड़ेगी जो जीतेगा, ये जीते या वो जीते, ऐसा ही है। मेरे साथ क्यों नहीं है, ये मेरे साथ क्यों नहीं है, और जानते हो कौन धर्म मेरे साथ क्यों नहीं है, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। आप देखेंगे राजा की हेकड़ी, अब देखना चाहते हैं कि राजा चाहता क्या है, कि धर्म मेरे अधीन रहे और मुझे क्षमा कर देना। जब जब राजा धर्म के साथ छेड़छाड़ करता है तब विपत्ति आती है, धर्म को मत छेड़िए, उसे अपने अनुयायी मत बनाइए, दीपक से मत कहो कि वो आपको चले, सूरज से मत कहिए, चंद्र से मत कहो, सागर को मत बोलो, हवाओं को मत बोलो, धरती को मत बोलो कि वो आपके पीछे पीछे डोले। और जब जब राजाओं ने ये प्रयास किए हैं, जब जब राजाओं ने धर्म को नियंत्रित करने का प्रयास किया है, किस कारण, अपने प्रभुत्व से, अपने वर्चस्व से, अपने नेतृत्व से, अपने स्वामित्व से, अथवा इस बल से कि मैं शासक हूं। हां शासक हैं आप, धरती के स्वामी हैं, पर प्रकृति पर राज्य कैसे कर सकते हैं आप, हवाएं आपके अनुकूल कैसे चलेंगी, सारी किरणें आपकी ओर कैसे झुकें, सूरज आपके पीछे पीछे कैसे चले। यहां ये राजा की भूल थी, इतनी सी राजा ने भूल की। अब राजा की भूल क्या है, राजा में कली प्रभाव है, राजा के मन मस्तक में, चित्त चेतना में, उनकी पूरी की पूरी अंतस में उनकी जो चेतना है उसमें कली भयंकर रूप से है। और कलयुग का पहला लक्षण है कली मह, कली विरोध चहु ओरा, कली मह विरोध चहु ओरा। ये कलयुग का लक्षण है, आप अपना बनाना चाहेंगे
विरोधियों को भी अपना बनाना चाहेंगे। आप स्वतंत्रता नहीं देना चाहते किसी को, स्वतंत्रता नहीं देना चाहते किसी को, स्वायत्तता नहीं देना चाहते विचारों की, अभिव्यक्ति की। बड़ी रोचक कथा है, जैसे ही मरा हुआ सर्प डाला राजा ने साधु के गले में कि उठकर मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है, समाधि का ये अभिनय कर रहा है। यद्यपि विभांडक या वो शमीक ऋषि समाधि में ही बैठे थे, उन्हें पता नहीं था राजा कब आया। राजा की पदचाप, उस राजा के आने की आहट उन्होंने सुनी नहीं। राजा को लगा कि ये मेरा अपमान कर रहा है साधु, मुझे देखकर उठकर खड़ा नहीं हुआ, मुझे आसन नहीं दिया है, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मैं अकेला हूं, मुझे कोई संभालने वाला नहीं है, तो आओ एक बात और सुनो। जब आप भूख प्यास पर ज्यादा चिंता करने लगे तब समझ लेना कि आपकी तितिक्षा खो गई, आपका अध्यात्म शिथिल हो गया है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसके पास तितिक्षा होती है। तितिक्षा कहते हैं भूख प्यास पर नियंत्रण, मान अपमान पर, सुख दुख पर, विषम से विषम प्रतिकूल परिस्थितियों में जो थमकर खड़ा रहता है उसका नाम है आध्यात्मिक साधक।